नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टर साहबान का फ़ोन आ रहा था BUMS वाले दिल्ली से। हमारे बहुत ही रहबर हैं, प्यार करते हैं हमें। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, वो BUMS का कॉलेज चला रहे हैं। उनकी तरफ से भी एक मशवरा आया कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में भी कुछ कहिए। तो हमारे चैनल पे 23,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को 5-6 दिन लगे इस पे आने में ही, कोई मशरूफियत की वजह से। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति को केवल यूनानी या हिकमत के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे यूनानी तिब या केवल यूनान के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी तिब में यूनानी शब्द मूलत लोनियन का अरबी रूपांतरण है, जिसका अर्थ ग्रीक या यूनान है। भारत में 100 से अधिक यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में यूनानी चिकित्सा पद्धति सिखाया जाता है। ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक के करीब है। इसे भारत में भी वैकल्पिक चिकित्सा या अल्टरनेटिव मेडिसिन माना गया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का इतिहास बड़ा शानदार था, पर वर्तमान में एलोपैथी के सामने इसका टिकना आयुर्वेदिक जैसे ही बड़ा कठिन हो रहा है। ये मेरा राय है। कारण एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में जैसे जैसे बढ़ेगी, मीडिया जैसे जैसे इसको प्रमोट करेगा, पॉलिटिशियन जैसे जैसे इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारे जो रहनुमा हैं वो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो रहनुमा हैं वो लाइट हाउसेज हमारे टीचर हैं, उनका भी साथ चाहिए, लोगों का भी साथ चाहिए, प्रैक्टिशनर का भी साथ चाहिए। जब BUMS या BMS एलोपैथी के सामने घुटने टेकेगा तो मुश्किल हो जाती है। अगर वो प्योरिटी में काम करेगा तो एक दिन उसकी जीत जरूर होगी। मैंने होम्योपैथी में ये चीज़ अपने सामने देखी है। जब मैं एनाटॉमी का विषय होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो कभी कभी मेरे को शंका होती थी, मगर वो शंकाएँ दूर कर दी जब मेरे ही जो स्टूडेंट थे उन्होंने गैंग्रीन जैसी कई बीमारियों के बारे में मेरे को बताया कि ये प्रोस्टेट की बीमारी ठीक हुई है। तो मैं उनसे कई बार बहस करता था कि नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिल गया। मगर धीरे धीरे मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी, जब उनके पेशेंट को मैंने कंसल्ट किया तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे हो रहा है। तो कभी झूठ तो हो नहीं सकता जब पेशेंट आपको फीडबैक दे, क्योंकि लोग एक दूसरे की बुराई पीठ पीछे करते हैं, मगर जब हंड्रेड्स में लोग कहें कि हमारी गैंग्रीन जैसी डायबिटिक फुट हो गया था, उसको ठीक किया डॉक्टर मुक्तिंदर जी ने, तो नेचुरली विश्वास तो करना पड़ता है। दोस्तों, इतिहास 460 से लेके 370 ईस्वी पूर्व में यूनानी चिकित्सा विधि का पता चलता है। बुकरात अंग्रेज़ी में हिप्पोक्रेट नामक दार्शनिक को यूनानी चिकित्सा विधि का जन्मदाता माना जाता है। बुकरात को बाबा ए तिब यानी चिकित्सा के पूर्वज भी माना जाता है। हिप्पोक्रेट ने मिश्र और मिसोपोटामिया यानी वर्तमान इराक, शाम और तुर्की के दजला फरात नदियों के मध्य की सभ्यता, संस्कृत और चिकित्सा पद्धति को नज़दीक से देखा। उस समय की चिकित्सा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनके बाद 129 से 200 ईस्वी में हकीम जालीनूस का जमाना आया। इन्हें अंग्रेज़ी में गेलन के नाम से भी जाना गया। हकीम जालीनूस ने प्राचीन यूनानी दर्शनों और दवाइयों को पारदिशा से पहचान और परिचय दिया। हकीम जालीनूस के बाद जाबिर इब हयात और हकीम इब सीना का भी जिक्र आता है। चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा विधि का एक रूप है। कफ, बलगम, पीला पित्त, सफरा और काला पित्त सौदा प्रधानता के आधार पर रोग के लक्षणों का पता किया जाता है। भारतीय चिकित्सा दर्शन के करीब माना जाता है। मानव शरीर में आग, जल, पृथ्वी और वायु प्रधानता का मानव शरीर पर प्रभावी मूल रोग लक्षण और निदान देखा गया है। यूनानी चिकित्सा के अनुयायियों का अनुसार इन तत्वों के विभिन्न तरल पदार्थ में उनके शेष राशि की उपस्थिति में स्वास्थ्य के असंतुलन का सुराग लगता है। इन पदार्थों का प्रत्येक आदमी में अनूठा मिश्रण उसके स्वभाव और रक्त की विशेषता तय करता है। कफ की प्रधानता वाला व्यक्ति ठंड स्वभाव का
होता है, पित्त पीला या चिड़चिड़ा और विषादपूर्ण पित्त काला बनाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जब भी आपने किसी भी बीमारी, चाहे वो गैंग्रीन है चाहे डायबिटिक फुट है, उसकी राय लेनी है तो कोशिश कीजिए कि एलोपैथी में, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उनको प्रेफर कीजिए। साथ साथ में आप अल्टरनेटिव मेडिसन, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी को ट्राई कीजिए। जब तक एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन वाले बुरा मत मानिए, वो आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देते कि आपकी जो बीमारी है हमारे हाथ से गई, तब तक आप इंडिपेंडेंटली ना आइए उस पे। क्योंकि जब वो कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली साथ में वो लेते भी रहते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, तो कहने का तात्पर्य है कि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, उसमें मेरी राय नहीं बनती कि मैं किसी को कहूँ कि इस मेडिसिन और इस पैथी पर चले जाइए। ये उस फिजिशियन और पेशेंट की कंसेंट पे निर्भर है कि वो किसकी तरफ जाना चाहता है। नेचुरली उसके पीछे पैथोलॉजी क्या चल रही है, उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, उसके पीछे माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी क्या चल रही है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें उसका फिजिशियन बताएगा उसको। तो नेचुरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने क्वालिफाइड फिजिशियन, जो भी पैथी पे आपको विश्वास है, प्लस मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की भी राय लीजिए, एक पैनल से, अकेले डॉक्टर की नहीं, दो चार छः डॉक्टर की, जब कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आपकी लाइफ को थ्रेट कर रही है। यहाँ मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि हमारा किसी भी पैथी को इंडोर्स या किसी डिजीज़ को इंडोर्स करने का कहीं भी इरादा नहीं है, हम इंडोर्स नहीं करते, और हमारी ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। तो इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि एमरजेंसी मेडिसिन में क्या रोल है यूनानी का, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ बताना। एमरजेंसी थेरेपी यूनानी सिस्टम मेडिसिन में, आप एक बुकलेट है तो उस बुकलेट का नाम है बर उस्सा, मोहम्मद बिन जाकारिया राजी ने ये कंपोज की थी बुक, उन्होंने, माननीय मोहम्मद बिन जाकारिया राजी जी ने। तो इसके बारे में, इस बुकलेट के 23 चैप्टर हैं, राइट फ्रॉम हेड टू टो, हेडक को सुधा, पाइल्स को बवासीर, यहाँ पे कोट किया गया, ऑप्थैल्मिक डिजीज को एन, फिस्तुला को नवासीर, और कोरिजा को जख्म, डेंटल एलिमेंट को आसान, फॉल स्मेल ऑफ माउथ जिसको हेलियोटोसिस बोलते हैं, बुखार, डिप्थीरिया को क्वानीक, लीचिंग, तालीक, माइग्रेन को शलीका, एपिलेप्सी, दौरे को सारा, डिजीज ऑफ ईयर को सामा, और नक्सीर, रुआफ, एपिस्टेक्सिस जिसको बोलते हैं, स्कैबीज को जरब, बॉडी एक को वन जुल, अजा, पेन ड्यू टू बर्न, त्वाजी, हरक्वानर, प्रोलैप्स एनी या एनस बार निकलती है तो खुजरौल, जुल, मकद, डाइसेंट्री, जहीर, कॉलिक पेन, कुलंज, डायरिया, लूज मोशन को खिलफा, शैटिका को अर्कुन, नेसा, फटीग एंड टॉयल को या वाक, तब इचिंग ऑन द लिम्स, लिम्स पे इचिंग होती हो, खुजली होती हो तो अलहिका, अलाल, अतरफ। तो ऐसे लगभग 23 चैप्टर हैं उसमें दोस्तों। इसके बारे में मैं एंड में बताता हूँ, जो कंक्लूजन है, बहुत ही सुंदर कंक्लूजन लिखा है डिस्कशन। आफ्टर गोइंग थ्रू इनॉमरस वर्क इन दी लाइट ऑफ एफ्रोसेट ग्लिम्सिस, इट इज़ क्लियरली एविडेंट कि अबू बकर मोहम्मद बिन जाकारिया राजी जी वाज़ ए फिजिशियन ऑफ फ्यूचर, वो फ्यूचर के, आने वाले कल के फ्यूचर के फिजिशियन थे। फिजिशियन ऑफ मॉडर्न इरा मे रेफर दिस बुक विद फुल कॉन्फिडेंस, आज के जो फिजिशियन है BUMS वाले, वो फुल कॉन्फिडेंस से राजी जी की बुक को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉप ग्रेट एंड मास्टर ऑफ बेड साइड मेडिसिन की किताब है। नो बॉडी कैन कम्पीट हिम इन दिस फील्ड, यूनानी में उनका कोई सानी नहीं हुआ, उनको कम्पीट नहीं कर सकता। डॉक्टर सामी क हम रहने राइटली से, उन्होंने सही कहा था, विद रेफरेंस टू सेजगीन, बर असा और हीलिंग इन 1 आवर, उन्होंने कहा कि हीलिंग इन 1 आवर, 1 घंटे में हीलिंग करना है। एंटीसिपेट द यूज ऑफ मरेकुलर ड्रग्स इन अवर मॉडर्न टाइम, फर्दर मोर वी मे कलेक्ट सम फार्मूले एंड मेजर फ्रॉम हिज इंसाइक्लोपीडिक वर्क, उनकी इंसाइक्लोपीडिक से कुछ फार्मूले आप ले सकते हो। अल
हावी अल कबीर फित तिब एंड फ्रॉम अदर रिपोजिट्री ऑफ यूनानी सिस्टम मेडिसन टू कंपाइल कम्प्रीहेंसिव वर्क ऑन द सब्जेक्ट नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, तो हमारे मानवता के भले के लिए, मनुष्यता के लिए भले के लिए और इस सिस्टम BUMS के पॉपुलराइजेशन के लिए हमें आगे आना होगा। और एमरजेंसी थेरेपी इन यूनानी मेडिसन, जिसको शफाकत आज़मी जी ने लिखा है, तो बहुत सुंदर एब्स्ट्रैक्ट है कि ए शफाकत आज़मी जी, एमरजेंसी थेरेपी इन यूनानी सिस्टम मेडिसन विद स्पेशल रेफरेंस टू राजी बर उस साह, तो जर्नल इंडियन मेडिकल हेरिटेज है ये, वॉल्यूम 39 है, 2009, पेज 103 से 110। ये एब्स्ट्रैक्ट जरूर पढ़िए आप नेट पे। और इसके आगे एक चीज़ बहुत नोट करने वाली लिखी हुई है, सारांश राजी कृत बर उस साहा के संदर्भ में यूनानी चिकित्सा पद्धति में आपात क्लीन चिकित्सा के ए सफकत आजमी चीजी के द्वारा। दुर्भाग्य से स्वाने ये धारणा है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में आपात क्लीन चिकित्सा का उल्लेख नहीं है, किंतु ये पूर्णतः गलत है। प्राचीन साहित्य में देखने पर पता चलता है कि कई प्रतिष्ठित फेमस लेखक एवं चिकित्सकों ने अपने अनुसंधान रिसर्च और अनुभव के आधार पर आपातकालीन चिकित्सा का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ चिकित्सकों तथा अबू बकर मोहम्मद बिन जाकरिया राजी जी ने इस व्यवसाय के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। राजी अपने विश्वकोश रूपी कार्य अल हवी फित तिब के साथ बर उस साहा नामक शीर्षक से आपातकालीन चिकित्सा पर लिखी हुई एक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में आपातकालीन चिकित्सा के सिद्धांतों को बताया गया है। मोहम्मद राजी ने ये कार्य वजीर अबुल कासिम उबन अबादुल के दरबार में स्थित फेमस यूनानी चिकित्सकों की वैज्ञानिक समिति की सहमति और वजीर के आदेश से किया था। राजी की पुस्तक में जो वर्णित दिशा निर्देश एवं चिकित्सा एक सह शराब्दी के व्यतीत होने पर भी उपयोगी हैं। प्रस्तुत लेख में राजी की पुस्तक के आधार पर यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त आपातकालीन चिकित्सा को प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, बहुत सारी कुछ संस्थाएं हैं नामी ग्रामी, उन्होंने फिजिशियन असिस्टेंट 6 महीने का कोर्स शुरू किया है, तो मैंने देखा है कि उसमें उन्होंने यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन और नेचुरोपैथी को भी इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि अगर कोई BUMS के अंडर कोई असिस्टेंट काम करता है या BMS के या MBBS के या BHMS के, तो उसका फ़ायदा हो सके। तो कल को उसकी सेप्टिबिलिटी फिजिशियन असिस्टेंट 6 मंथ वाले की, जिसमें यूनानी के भी कुछ सब्जेक्ट लगा ले गए हैं, तो कुछ लोगों ने सेल्फ इन्हांसमेंट के रूप में ये चीज़ पेश की है, तो मैं उनके लिए प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ फिजिशियन असिस्टेंट वाला कोर्स जो लॉन्च किया है उन संस्थाओं ने, तो उनकी प्रेज है कि फिजिशियन असिस्टेंट उन्होंने पांचों पैथियों को इन्वॉल्व भी किया है, जिससे कि उनके अंडर जो कार्यरत पैरामेडिकल्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन हो सके। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल, और व्हाट्सएप 9872468540 और हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।